is going to come on, but not right now. Jackie Chan in the box. It's an easy finish in the end. He made it look so easy. It's really tough to do. You've got to react quickly. Your first touch has to be absolutely perfect. Time and time again, we've seen this in the past, and time again, we'll see it in the future. Koro is Koro. It's 2-0. You cannot keep this man down. He's playing in a different position today, in a more of a number 10 role, but that doesn't stop him. Oh, he has set piece. Oh, behtareen save. Renesh Tipi ka aur jitni tarif ki jaye is free kick ki. Kyun 40 is the goal aur ek baar phir khatra talane murtada fall. Aur ye goal! Murtada fall. Barabari ka goal dagne mein kamyab hue hain. अपने लंबे कद का फायदा उठाने में कामयाब हुआ है और बेहतरीन क्रॉस यहां पर आया और मुर्तदा फॉल ने 41वें मिनट में बराबरी का गोल ढूंढ लिया. क्रॉस गोल, एक नहीं दो नहीं तीन गोल गोवा के नाम पहले हाफ के खेल में. एक तरफ चेन्नई चूकी, दूसरी तरफ गोवा नहीं. बूमो ने दागा ये तीसरा गोल और हाफ टाइम से पहले गोवा 3-0 से आगे. बूमो होल्डिंग प्ले दिखाया क्योंकि सपोर्ट में कोई और खिलाड़ी था नहीं. अब मंदार, फर्स्ट टाइम क्रॉस मंदार का, क्लिक्ड ऑन बॉल कोरो के लिए. क्या चांस है कोरो, क्रॉस उनका और गोल लीजिए. जैकी चैन सिंह ने स्कोर कर दिया है इस सीजन अपना पहला गोल एफसी गोवा के लिए और एफसी गोवा अब 2-0 से आगे. फिलहाल मंदार राव देसाई क्रॉस करने की ताक में. जैकी 2-0 और कोरो ने मार दिया है अर्धशतक, लेकिन ऑफसाइड की घोषणा कोरो के खिलाफ. ऐसा लगता है सेलिब्रेशन रुक गई है. यहां पर बातचीत के बाद गोल करार दिया गया है. ये इसका मतलब 2-0 की बढ़त एफसी गोवा के पास. जी हां, देखना पड़ेगा क्या हुआ यहां पर. कोरो का टच नहीं आया. तीन लगातार मैच जीती है कलिंगा स्टेडियम में उड़ीसा एफसी, लेकिन एफसी गोवा के खिलाफ चुनौती थोड़ी अलग ही है. ह्यूगो बूमो अब बॉल के साथ खिलाना चाहे जाके, इस बार कोई डाउट नहीं. 3-0, क्या ताबड़तोड़ शुरुआत रही है एफसी गोवा की. यहां पर पहले 26 मिनट के अंदर अंदर चलता कर रहे उड़ीसा एफसी को और उड़ान लेने ही नहीं दे रहे हैं. अब कोरो ये हर तरह के खूबसूरत गोल दाग सकते हैं. कोरो के इनके साथ छोटा पास, बहुत चतुर पास और क्या कमाल की फिनिश, क्या कमाल का गोल. जब कोरो का पास आया तो जैकी चंद आया. आखिर के अभी 7 मिनट, क्या जमशेदपुर एफसी अपने फैंस को खुश कर सकती है. लेकिन अभी जैकी चंद सिंह, जबरदस्त गोल जैकी चंद सिंह का. स्पेस में आए और सीधे गोवा को 3-0 कराने में सफल.